एम आई ऑडिबल क्लियर बच्चो गुड आफ्टरनून आकांक्षा गुड आफ्टरनून एक्चुअली समटाइम्स यू नो आई मिस दिस क्लास एज इंग्लिश लिटरेचर क्लास फ्रॉम फोर टू फाइव ऑन यूट्यूब चैनल यू जी सी एन टी एन एटी सो दैट्स वाई एवरी टाइम आई ऑर्डर गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग ओके एनी वेज सो गुड आफ्टरनून एंड टू दे द टॉपिक ऑफ कंसर्न एंड वी विल क्विकली स्टार्ट बिकॉज बच्चे वी नो वी डोंट हैव सफिशियंट टाइम टू कवर एंड टू वेट के बारे में देखेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट देखिए जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा में, ये है जैसे कि, आ, आपको दिया जाएगा और वहाँ पे पूछेगा तो इस तरीके से आपको क्या है अंडरलाइन वर्ड मिलेंगे

सो so, आज इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं क्योंकि चार या पांच क्वेश्चंस ठीक है गेट एग्ज़ामिनेशनस आ गए हैं बहुत जल्दी ही आपका फेब में एग्ज़ाम है तो जो बच्चे लेट हैं प्लीज़ स्टार्ट करें प्रेपरेशन ओके okay. अगर आपको लगता है फिर से मैं याद दिलाऊं अगर कोई नए बच्चे हैं गुड आफ्टरनून अनुजी गुड आफ्टरनून अगर नए हैं आप डेफिनेटली आप जाएँ स्कैन करें क्यू कोड या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएँ आई ऐप को डाउनलोड करें और अगर ये कोर्स आपको लगता है जो भी आपके ग्रामर के पोर्शनस हैं एप्टीट्यूड के पोर्शन हैं जितने भी पार्ट्स हैं आपके रीजनिंग वाले वो सारे आपको रिकॉर्डेड और प्लस में हैंड आउट्स जो हैं तो सब कुछ मिलेंगे आपको अगर आप इंटरेस्टेड है अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज है ये क्लियर है टू द पॉइंट है एक एक लेक्चर का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है सो तो अगर आपको लगता है प्रिपरेशन अभी आपकी थोड़ी सी आई एम फ्रॉम जोधपुर या गुड आफ्टरनून अर्जुन yeah it's so nice seeing a person from jodhpur joining our class today <laughs> welcome to this class arjun so it's <laughs> how's the weather there okay so in that sense we will uh, if you want you can definitely explore and scroll down all those options so while scrolling you will also find one another option one other course that is batch live exclusive online course that is launching on this now, one good news for you guys that if you are perplexed about these kind of courses, whether it will benefit you or not. Perplex meaning What is perplex? Perplex means a kind of surprising something which is not expected at the first place. Okay, this is called perplexity, a kind of doubtfulness that is arousing uh, that arouses out of this surprising as an event. ठीक है अगर जब भी आप बच्चे सरप्राइज होते हैं ओके सो या थैंक यू सो मच तो बच्चे अगर आपको लगता है कि गेट एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस ऑप्शन ओके और अगर आपको लगता है कि कैसा है नहीं है तो एक गुड न्यूज़ ये है कि 18th ऑफ जैन से ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जैन आप किसी भी कोर्स के बैच लाइफ को आई एफ एस के ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है जाएँ ज्वाइन करें देखें बैच लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होता है अगर आपके लिए फेवरेबल है देन डेफिनेटली जाए देखें क्या है आपके पास ऑप्शंस और उसके थ्रू आप अपनी लर्निंग को और अच्छे से बढ़ाएं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के फर्स्ट स्लाइड से और देखते हैं सबसे पहले हम समझते हैं वॉट इज टेंस ओके चलिए थ्री जीरो फोर वी विल वेट फॉर जीरो वन मिनट्स ओके एक मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे तब तक बच्चों आप ये बताएं कि जो हमने कल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आप लोगों को पी मिले यस रिगार्डिंग पी डी के लिए बच्चों सोल्यूशन ये है पी आपका अपलोड हो गया है आपने आई ऐप डाउनलोड करना है फ्री वाले आई के एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में जाने हैं आपने एप्टीट्यूड सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको पी मिलेंगे ठीक है आप पी डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay? Three of course. Jittevi classes unsari classes ki PDF aapko available hai. Yes, Akansha ji PDF nahi mila hai because the person who was responsible to do this, due to unforeseen circumstances, he was not able to do that. Okay. So in that sense, you will get PDF of these two classes. I think it is uploaded now. You can check. Meanwhile, otherwise, just wait for this class. And after two to three hours, you will definitely get the PDF. Okay. So in today's PDF, I have included. Total 12 types that are there, okay? Total 12 types. So when we talk about this tense topic, there are total 12 types. So I have included each and everything there. aapko आपको सारे milenge मिलेंगे जो भी उनके hain हैं और जो भी उनके hain हैं उनके aapko आपको kis किस तरीके से karna hai theek ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए तो ये आपने यहाँ से पी मिल जाना है अगर आपको नहीं पता लग रहा है फिर भी तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा आई एफ एस एप्टीट्यूड का बच्चों आप जाएँ टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ ज्वाइन करें वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा ओके टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों आपका फेसबुक ग्रुप भी है कहीं भी ज्वाइन करें वहाँ पर मैं टीम से बोल के आपको जो भी गाइडेंस है वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है क्लियर है बच्चों स्टार्ट करें क्लास अब आई थिंक इट्स ऑलरेडी लेट वी आर लेट बाई आई थिंक वी आर लेट बाई 5 मिनट्स सो लेट एस क्विकली स्टार्ट चलिए बच्चों शुरू करते हैं देखिए जब भी हम टेंसेज की बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं टेंस होता क्या है देखिए कल हमने देखा है बच्चों कि कभी भी अगर हम किसी भी एक सेंटेंस को लिखते हैं जैसे कल हमने एक एग्जांपल देखा था क्या देखा था हमने हमने ये एग्जाम्पल देखा था जैसे मोस्ट फेमस था हमारा एग्जाम्पल जैसे राम इज डूइंग सम लेटर चलिए इस एग्जाम्पल को आज चेंज कर देते हैं ओके आज इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करके दूसरे तरीके से जस्ट वस्ट वेट या yeah. चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों जैसे मैंने आपसे कहा आई राइट अ लेटर ठीक है चलिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं आई राइट अ लेटर ठीक है बच्चों एक दूसरा सेंटेंस है आई रोट अ लेटर और तीसरा सेंटेंस है बच्चों यहां पे आई शैल या फिर आई विल राइट अ लेटर ठीक है ये टोटल हमारे पास तीन एग्जाम्पल है बच्चों चलिए अगर इस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस, स, इस पूरे सेंटेंस में बच्चों हमारे पास क्या है एक सब्जेक्ट है जो हमने कल डिस्कस किया हुआ है सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट पर्सन है हमारा फर्स्ट पर्सन क्यों है क्योंकि ये खुद को रेफर कर रहा है जो स्पीकर है अगर खुद को रेफर करे तो वो आपका फर्स्ट पर्सन है गुड आफ्टरनून दीपिका जी गुड आफ्टरनून ठीक है तो ये फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन के साथ ही हमारा सिंगुलर है ना तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो हमारा तो हमारा देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है राइट right है आपका है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका राइट right है तो जब भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो यहाँ पर तो ये क्या बताता है कि कोई एक ऐसा इवेंट है जो इवेंट हो रहा है एक प्रेजेंट है ना और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे रोट वाला है मतलब यहाँ पे जो वर्ब है आपका और यहाँ पे जो वर्ब है इसके साथ आप देखेंगे एक कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे है ना साथ में वर्ब का एक फॉर्म है जैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट right, है ना राइट right, इसके बाद सेकेंड फॉर्म क्या है राइट रोट रोट है ना ये आपके वर्ब के थ्री फॉर्म होते हैं इसका मतलब बच्चों कोई भी एक ऐसा वर्ड जो हमारा वर्ब है और वो वर्ब क्या बताता हो वो वर्ब क्या बताता हो यस प्रेजेंट सिंपल और वो वर्ब क्या बताता हो वो वर्ब उस इवेंट के होने की क्या बताता हूँ दशा को बताता हूँ दशा का मतलब है कि अभी हो रहा है हो चुका है या फिर होने वाला है ना तो ये जो तीन कैटेगरी है इस तीन कैटेगरी को हम कहते हैं बच्चों प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ये आपका प्रेजेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये आपका क्या है पास्ट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म है और यहां आप देखेंगे तो शैल और विल है आपका तो एक ऐसा इवेंट जो इन फ्यूचर हो सकता है तो ये आपका क्या है यस तो ये आपका ठीक है फ्यूचर टेंस अब देखिए तीनों में क्या आप नोटिस करेंगे तीनों एक ऐसा इवेंट है जिसमें बेस फॉर्म यूज हुआ है ना वेरी गुड आकांक्षा जी पास सिंपल एंड सिंपल फ्यूचर तो आकांक्षा जी आई थिंक अब बैच लाइफ में थे ना? तो देखिए बच्चों इस नोट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे टेंसेज जो है वो कितने टाइप के हो गए एक प्रेजेंट है हमारा एक पास्ट है हमारा और एक हमारा फ्यूचर है है ना अब देखिए इनके फर्दर कैटेगरी हैं जैसे कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी हो अगर वो एक्टिविटी मान लेते हैं प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट में कब हो रहा है ना प्रेजेंट में भी चार तरीकों से हो सकता है तो वो जो चार तरीके हैं वो इनके चार फर्दर सब डिवीजन है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है इनडेफिनेट का है है ना दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस या फिर इमपर्फेक्ट का है तीसरा आपका परफेक्ट का है और चौथा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो देखिए इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है क्योंकि बहुत बार बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि ये क्या है एक्चुअली में देखिए इनडेफिनेट क्या है इट डज़ नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट जैसे कोई भी एक ऐसा देखिए नाम क्या है इसका इनडेफिनेट यू आर नॉट शो श्योर अबाउट इट तो किसी भी वर्ब का बच्चे चार फॉर्म हो सकता है जिसके थ्रू हम उसके चार टेंसेस पता कर सकते हैं ठीक है तो इनडेफिनिट क्या होगा इंडेफिनिट वो कैटेगरी होगा जिसमें हम किसी भी एक्टिविटी के लिए श्योर नहीं है उस टेंस में अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब हम पास्ट के किसी एक्टिविटी के लिए श्योर नहीं है अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो आपका फ्यूचर इवेंट को शो करेगा है ना तो इस तरीके से फर्दर आपका क्या है कॉन्टिन्यूस है या फिर इम्परफेक्ट है मतलब इम्परफेक्ट क्या है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दैट्स वाई इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इट मीन्स इट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट मोमेंट अभी चल रहा है क्योंकि वर्ड है इसका कॉन्टिन्यूस और तीसरा है परफेक्ट मतलब या तो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में इन दैट सेंस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट ठीक है और एक आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट जैसे आपका हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो चुका है कंप्लीट और प्रेजेंट में कंप्लीट चल भी रहा है जैसे अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जब भी हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आप नोटिस करना इस सेंटेंस में कि वो कंप्लीट हो चुका है आपका सेंटेंस ओके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है बट ये आपके और कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी है तो ये आपके पास्ट में भी होगा ये आपके फ्यूचर में भी होगा तो टोटल तो आपके हर एक टेंस के टाइप में चार कैटेगरी हैं इनडेफिनेट श्योर नहीं है कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यू है परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आफ्टर कंप्लीटिंग इट आल्सो हैज प्रोबेबिलिटी टू कंटिन्यू फर्दर ऑन ओके सो ये आपके टोटल बच्चों चार कैटेगरी होते हैं अब इसके बेसिस पे हम सारे टाइप्स समझना स्टार्ट करते हैं देखिए एक स्लाइड में हम पूरे टेंस को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तब तक अगर आपने बच्चों नोट्स लेने हैं स्क्रीन शॉट्स लेने जो भी लेने ले लें जल्दी से क्विकली कोई क्वेश्चन है बच्चों कुछ भी चलिए समझ में आया जल्दी बताएं समझ में आया समझ में आया से और नो अभी बच्चों हमने जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ये किस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ओके जल्दी से हो गया समझ में आया से यस और नो जल्दी से चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बच्चों आपने बताना है कि वो कौन सा हो सकता है ठीक है चलिए पहला सेंटेंस है बच्चों मैंने ये लिखा है आपसे दैट इज़

कौन सा टेंस है बता सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस मैं आपको फिर से बताता हूं क्या है फिर से बताता हूं मैं कंप्लीट सेंटेंस क्या है सेंटेंस है आपका समवन इज गोइंग ऑन दिस ट्रिप हु इज सस्पिशियस ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी बताइए जल्दी से कौन सा टेंस है ओके सो तो आकांक्षा जी सेइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस अर्जुन सेइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखिए यहां पे क्या है आईएनजी लगा है बच्चों मतलब जहां पे भी आपको आई दिखेगा वहां आपने क्या समझना है वो आपका कौन सा टेंस है कोई ना कोई तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ठीक है ये आई आपका एक हिंट होता है जो कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा देखिए यहां पे है ना ये आपका कॉन्टिन्यूस है यहां आप देखिए कॉन्टिन्यूस है तो जहां भी आई दिख गया आपने समझ जाना है वो आपका कॉन्टिन्यूस है अब देखिए कहां पे क्या है सम वन इज गोइंग ऑन द स्ट्रिप हु इज सस्पिशियस ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी एक ऐसा इवेंट बता रहा है जो एट द प्रेजेंट यस एम आर एस प्लस आई एन जी यस वेरी गुड इज एम आर प्लस आई एन जी अगर हो बच्चों तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा ठीक है तो ये सारे रूल्स जो है हमने डिस्कस करने हैं तो इन रूल्स को ध्यान में रखने हैं नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से हम समझते हैं किस तरीके से करना है हमें देखिए जैसे पहला है आपका प्रेजेंट देखिए प्रेजेंट में क्या है दिख रहा है आपको मार्कर रुके चेंज करने ओके okay. चलिए यहां पे देखिए पहला है आपका प्रेजेंट ठीक है देखिए प्रेजेंट में देखिएगा हमेशा यहां पे एस या फिर ई एस हो जब भी आपका एस या ई एस हो वहां पे आपने समझना है कौन सा वो है वो आपका प्रेजेंट है ठीक है अब देखिए अगर इज हो एम हो आर हो इसका मतलब क्या है वो साथ में आई एन जी भी नोटिस करना है तो जहां पे इज एम आर हो प्लस आई एन जी हो वो आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा है ना तो देखिए प्रेजेंट में अगर एस ई एस वाला हो तो इनडेफिनिट है प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर वहाँ पे आई एन जी मिल जाए और साथ में इज़ एम आर मिल जाए तो कौन सा हो गया वो कॉन्टीन्यूस टेंस हो जाएगा सिमिलरली अगर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो आपने देना है हैज और हैव देखिए बच्चों जब हम मॉडल ऑक्सिलरी करेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे हैज़ हैव हैड ओके okay? फिर हम पढ़ेंगे बी बींग इज एम आर ये जो बेस फॉर्म है वॉज वर्ड उस टाइम पे हम देखेंगे जो मॉडल ऑक्सिलरीज है हमारे पास वो किस तरीके से यूज होते हैं और साथ में हम प्रपोजिशंस भी देखेंगे वहां से डेफिनेटली आपको दो या तीन क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में हमेशा मिलेंगे ओके okay? तो ध्यान रखना है आपने जब भी एस लगा हो इनडेफिनेट होगा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए अगर इज एम आर के साथ आई एन जी लगा हो कॉन्टीन्यूस है आई एन जी है कॉन्टीन्यूअस होगा इज एम आर है फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म है तो वो आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अब देखिए इज एम आर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वॉज वर्ड होता है तो जैसे ही इज एम आर की जगह वॉज वर्ड दिख जाएगा आपको समझ जाना है आपने आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है ठीक है बहुत ईजी है समझना टेंस एक स्लाइड में खत्म होता है यहाँ देखिए अगर आपके पास हैज़ और हैव लगा है जैसे आपके परफेक्ट में लगा है लेकिन यहाँ पे क्या है कॉन्टीन्यूस है तो हैज़ और हैव के साथ आप बीन लगा देंगे आई एन जी तो ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सिंपल यहाँ पे आपने लगाया हैज़ हैफ यहाँ आपने लगाना है हैज़ बिन या फिर हैफ़ बिन और साथ में वर्ब का जो आपका आईएनजी वाला है ठीक है तो ये आपके हैं टोटल प्रेजेंट के चार फॉर्म अब देखिए हम पास्ट में अगर जाएंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया है ना प्लेड आ गया तो देखिए यहाँ पे इज एम आर है तो इसका क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म वॉज और वर्ड होगा ये हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस किया हुआ है बच्चों देखा आ गया यहाँ पे तो ध्यान से देखना है क्लास इस एम की जगह क्या आ गया बच्चों वॉज वेयर आ गया और आई आ गया तो कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे देखिए हैज और हैव है तो हैज और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है हैड होता है तो यहाँ पे आ गया हैड प्लेड है ना ई लग जाएगा क्योंकि पास्ट है अब यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है देखिए परफेक्ट के लिए यहाँ पे क्या है हैज और हैव है तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहां पे sorry, तो आ जाएगा यहाँ पे हैड है सॉरी तो हैड आ जाएगा यहाँ पे हैड और बिन ओके तो ये आपका छोटा छोटा कीटम है बच्चों जिससे आप पूरा टेंस कंप्लीट कर सकते हैं अगला अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए फ्यूचर है फ्यूचर में क्या है शैल और विल है उसके साथ वर्व का फर्स्ट फॉर्म है अगर यहाँ पे शैल और विल है फ्यूचर है तो हर जगह शैल विल आएगा क्योंकि फ्यूचर में आपका या तो शैल यूज़ होता है या तो विल यूज़ होता है तो जब भी शैल और विल यूज़ हो आपने समझ जाना है फ्यूचर है वो क्योंकि सिर्फ फ्यूचर में होता है अब देखना है भर्व का फॉर्म क्या है यहाँ फर्स्ट फॉर्म है इनडेफिनिट हो गया यहाँ पे आई है लेकिन फ्यूचर है तो बी आ जाएगा यहाँ पे है ना यहाँ देखेंगे शैल हैव या फिर विल हैव हो गया यहाँ शैल हैव बिन या फिर विल हैव बिन तो जब भी यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जो आपने यूज़ किया है बिल्कुल उसके सिमिलर हैज़ बिन हैव बिन है ना लेकिन यहाँ पे देखो आप सिर्फ हैव आया हैज़ है नहीं आया यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है तो ये दोनों स्ट्रक्चर बच्चे बिल्कुल सिमिलर होते हैं सिर्फ शैल और विल का फ़र्क होता है लेकिन जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हैफ़ बिन आया हुआ है हैज़ आपका मिसिंग होता है ठीक है तो ये आपके टोटल बच्चों बारह फॉर्म है ये आपको ध्यान से देखना है क्विक रिविज़न के लिए क्विक रिविज़न के लिए देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं जैसे पहला हमने पढ़ा कि कोई भी एक अगर सिंपल प्रेजेंट हो पहचानना कैसे है सब्जेक्ट पहचानना है वर्ब पहचानना है ऑब्जेक्ट पहचानना है वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा बेस फॉर्म होगा जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट है ना शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली तो देखिए शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली का मतलब बच्चों क्या हो गया वो स्कूल जाती है है ना एस और ई एस लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म भी है बट एक ऐसा इवेंट है जो कंप्लीट हो भी चुका है और इन फ्यूचर रहेगा भी आगे कॉन्टिन्यू रहेगा इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया बच्चों ये आपका हो जाता है परफेक्ट वाला केस ठीक है तो इतना इजी है जल्दी से देखिए कौन सा है अगर मैंने लिखा है चलिए यह सेंटेंस बताइए किसका होगा ही स्विम्स इन द रिवर बताइए कौन सा टेंस है बच्चों ही स्विम्स इन द रिवर क्विकली जल्दी से बताना चलिए रैपिड फायर फटाफट ही स्विम्स इन द रिवर दूसरा सेंटेंस है बच्चो बॉयस आर प्लेइंग इन द फील्ड बताइए कौन सा टेंस है जल्दी से प्रेजेंट इन डेफिनेट वेरी गुड बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड कौन सा टेंस है चलिए अब हमारा टेंस कंप्लीट हुआ है हम फटाफट फड़ जल्दी से एग्जाम्पल के थ्रू सारा रिवाइज करते हैं वेरी गुड प्रेजेंट कंटिन्यूस देखिए अफर्मेटिव अब आपने समझना है किसी भी सेंटेंस के अगर चार टाइप होते हैं बच्चों तो उनके टेंस कन्वर्जन कैसे होंगे एग्जामिनेशन में आपसे ये भी पूछा जाता है ठीक है तो ध्यान में रखना जैसे अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है ना पॉजिटिव सेंटेंस है मतलब दे प्ले आपका नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे आ जाएगा दे डू नॉट प्ले ओके इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क ये आपके टोटल चार फॉर्म होते हैं सेंटेंसेस के इनको ध्यान में रखना है अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेोगेटिव सेंटेंस जब भी हम सारे टेंसेस के कन्वर्जन करेंगे आपने सारे एग्जांपल्स के इन चार फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने कमेंट करना है ठीक है चलिए देखते हैं अगला अगर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात करेंगे बच्चों तो एक सेंटेंस है यहां पे देखिए यू आर प्लेइंग अब जल्दी से बताइए अगर इस अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं नेगेटिव सेंटेंस में डालूं तो किस तरीके से होगा जल्दी से अगर मैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस यू आर प्लेइंग को डालूं मैं तो कौन सा होगा इसका फॉर्म इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों इसका नेगेटिव क्या है इसका नेगेटिव क्या है जल्दी से इसमें आपने क्या करना है सिर्फ नॉट लगा देना है ओके यू आर नॉट प्लेइंग सिमिलरली इंटरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव है नेगेटिव वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क यस वेरी गुड तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बच्चों याद रखना है सब्जेक्ट प्रेजेंट इज एम आर प्लस आपको आई एन जी ध्यान में रखना है तो इज एम आर प्लस आई एन जी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वॉज प्लस वर्ड प्लस आई एन जी इज इक्वल्स टू पास्ट कॉन्टीन्यूअस ओके शैल एंड विल रिम्बर ये आपके ट्रिक्स हैं इस ट्रिक्स में आपने पूरे टेंसेज याद रखने देखिए अगला कैटेगरी क्या है अगला प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ देखिए सब्जेक्ट है सब्जेक्ट हैज़ और हैव वर्व का थर्ड फॉर्म है परफेक्ट है ठीक हैज़ कब आएगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका जैसे आप यहाँ देखो और हैव कब आएगा जब आपका प्लूरल हो ठीक है अफॉर्मेटिव आई हैव प्लेड नेगेटिव आई है नॉट प्लेड हैव आई प्लेड आपके चार कन्वर्जन वाले हैं ये चार कन्वर्जन बच्चों एक क्वेश्चन आते हैं ओके okay, जब भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन करेंगे एक क्वेश्चन आपको कन्वर्जन पे डेफिनेटली आते हैं ठीक है तो प्रेजेंट पर पास एंड जस्ट बिन कंप्लीटेड ओके प्रेजेंट परिस कॉन्टिन्यूस हेयर C O N T I N U O U S. It will become like that something that was started and it will continue in the future. तो ये आपका हो जाएगा perfect continuous. ठीक है clear है देखिए यहाँ पे क्या है अगर मैं इसको that has started in the past and it's still continuing. जैसे we have been playing, we have not been playing. ये आपके total चार examples हैं clear? चले जल्दी से देखिए क्या है बच्चों वैसे ही हमने पास्ट में देखना है और वैसे ही हमने फ्यूचर में देखना है जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्विकली कमेंट करें अदरवाइज आप पी को डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ें ठीक है दोबारा से वीडियो देखें और पीडीएफ के साथ पढ़ें चलिए अगला देखते हैं क्या है पास्ट है यहां पे देखिए क्या है वेंट गो वेंट गॉन ये आपके टोटल वर्ब के तीन फॉर्म हो गए देखिए कौन सा ये सेकेंड फॉर्म है वी टू तो आपको ध्यान में रखना है जहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया वो आपका सिंपल पास्ट है जैसा अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया ठीक है सिमिलरली अब देखिए स्लाइड्स मैंने दो इंक्लूड कर दिए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में बच्चों क्या होगा वहां इज एम आर था यहां हो जाएगा वॉज एंड वर्ड यहां पर वर्ब क्या हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर एग्जाम्पल बॉयज वर प्लेइंग आई एन जी क्योंकि बच्चों क्या है ये कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस है आई एन जी आएगा वॉज एंड वर है वर क्यों आएगा यहां पे क्योंकि बच्चों एस लगा है यहाँ पे है ना बॉयज वर प्लेइंग ठीक है ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है सिमिलरली अगर आप पास्ट परफेक्ट को रेफर करेंगे है ना सिमिलरली आप पास्ट परफेक्ट करेंगे आई हैड गॉन टू स्कूल यहाँ पे क्या आ गया हैड आ गया आपका है ना देखिए क्या है पास्ट पार्टिसिपल तो हमेशा याद रखना है आपने जब भी पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे हमेशा आपके सेंटेंस में ये कीवर्ड्स होंगे प्रेजेंट में क्या कीवर्ड होगा बच्चों प्रेजेंट में होगा हैज़ या फिर हैव पास्ट में कीवर्ड क्या होगा आपके पास हैड होगा कीवर्ड ओके okay? और फ्यूचर में क्या होगा शैल हैव विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ आपका हैव आएगा ओके okay? ठीक है क्लियर है सिमिलरली आप देखिए बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपका सिमिलर क्या है यहाँ पे देखिए सिंपली ऐड हो गया बीन प्लस आई एन जी ये देखिए यहाँ पे आई एन जी लग गया आपने सिंपल समझ जाना है कॉन्टीन्यूअस है और यहाँ पे जैसे ही हैड लग गया हैज और हैव है प्रेजेंट होगा हैड है अगर तो ये पास्ट हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक बच्चों क्लियर है नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट इन पास्ट सिंपल यस वेरी गुड ओके okay? तो ये आपने इस तरीके से अपने सारे अफॉर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस जितने भी हैं आपने वो ध्यान में रखने क्लियर है यहां तक बच्चों ओके okay. चलिए लास्ट हम देखते हैं फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ठीक है चलिए लास्ट है हमारा सिंपल फ्यूचर आपने फाइंड आउट करना है शैल या फिर वेल ओके okay, अगर आई है मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब का बेस फॉर्म है आपका वो आपका सिंपल फ्यूचर होगा सिमिलरली यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस है आईएनजी आ जाएगा बच्चों अगर आईएनजी अगर आ रहा है है ना तो क्या हो गया है यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कुछ नहीं बच्चों जैसे ही आप बेस फॉर्म में आप आई लगा देते हो वो हो जाता है पार्टिसिपल ओके okay? तो वही पार्टिसिपल है यहाँ पर सब्जेक्ट है विल है बी है और आपका पास्ट पार्टिसिपल है जैसे आई विल बी गोइंग टू स्कूल तो ये जब भी सेंटेंस होंगे सिंस और फॉर कैसे यूज करना है सर मुझे मालूम था अर्जुन जी आप जरूर ये सवाल पूछेंगे और देखिए इसे कहते हैं अंतर्यामी होने का फायदा देखिए <laughs> देखिए कैसे यूज करना है सिंस और फॉर बहुत इजी है इसलिए मैंने पहले से एक स्लाइड ऐड किया हुआ है मुझे मालूम था बच्चे आप जरूर पूछेंगे सर सिंस और फॉर कैसे यूज़ करना है सिर्फ दो लाइन में समझना है सिंस तब यूज़ करेंगे जब आप नेम ऑफ टाइम की बात करेंगे जैसे देखिए नेम ऑफ टाइम क्या है यहाँ पे 1990 ये नेम है है ना तो ये आपका हो जाएगा क्या यूज़ होगा सिंस जब आप नंबर ऑफ़ टाइम की बात करेंगे 24, 25, ट्वेंटी फाइव थ्री या तो जब भी आप बात करेंगे नंबर की बात तो आपने यूज़ करना है फॉर समझ तो में आया बहुत इजी है नंबर की बात जब भी आप नंबर की बात करेंगे फॉर होगा नेम की बात करेंगे सिंस होगा क्लियर है बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट जो लेना है जल्दी से ले लें जैसे मैंने आपसे ये लिखा आप देखते भी होंगे बहुत अच्छी मूवी भी आई थी है ना कौन सी मूवी थी वो बहुत फेमस थी वो साउथ इंडियन की जिसमें वो सिंस नेम के लिए ही पूरी मूवी मुझे पावरफुल बनना है मुझे ही पर्टिकुलरली यूज दिस वर्ड सिंस इन हिज डायलॉग इन ऑर्डर टू रेफर टू हिम सेल्फ ये जो है आपका ये वही वाला सिंस है ओके okay? जब आप नेम ऑफ टाइम की बात करते हैं ये आपका सिंस है नंबर की जब बात करेंगे जैसे थ्री मंथ अगर मैंने सिंपली मंथ कही तो क्या आ जाएगा बच्चों अगर मैंने सिंपली कह दिया आपसे मान लेते हैं कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये सारे क्या हैं ये सारे नंबर नहीं बल्कि ईयर के नेम हैं हैं तो डिजिट ही लेकिन ईयर के नेम है ये लेकिन थ्री मंथ की बात करूं तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका काउंटिंग हो जाएगा टोटल नाइनटी डेज ओके तो ये आपका डिफरेंस है सिंस में और फॉर में समझ में आ गया बच्चों चलिए आगे बढ़े तो ये हमारा टोटल टेंस के बारह टाइप्स है बच्चों इन बारह टाइप्स का आखिरी जो दो टाइप है फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट क्या इंडिकेट करता है सिंपल सा है इंडिकेट करेगा कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कभी भी कंप्लीट होने की संभावना है जैसे आई विल हैव गॉन टू स्कूल बाय दिस टाइम टूमोरो बाय दिस टाइम टमोरो अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि कल इस समय तक मैं स्कूल चला जाऊंगा है ना आई विल बी ऑफिस बाय सेवन ए एम टूमोरो इट मीन्स कि कल सात बजे तक ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा तो जब भी फ्यूचर में किसी एक ऐसे इवेंट के बारे में आप बात करें जिसके उस टाइम तक कंप्लीट हो जाने की संभावना है फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बस आपने फाइंड आउट करना है क्या है ना ये क्या है जैसे ये क्या हो जाएगा जैसे मैं मान लेता हूँ अभी कोई अभी मान लेते हैं है लेट से बाय द ईयर 2030 आई विल बी समवेयर बट द किड हु बोर्न इन 2023

जहां अभी मैं हूं वहां पे वो होगा है ना एक एग्ज़ाम्पल के लिए तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है कि कोई भी इवेंट अगर फ्यूचर में कंप्लीट होगा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए रूल क्या है देखिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है बच्चों तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो आपने समझना है यहाँ पे आई तो लगेगा ही लगेगा है ना आपका हैव लगेगा और बीन लगेगा आपका यहाँ से हैज़ और मिसिंग होता है यहाँ पे ठीक है ये आपने ध्यान में रखना क्लियर है बच्चों समझ में आए टोटल बारह टाइप्स है आपके टेंसेज के समझ में आए जल्दी से बोले यस और नो समझ में आए समझ में आए सारे टोटल हमारे पास बारह टाइप्स हैं उन बारह टाइप्स को हमने वर्ड के फॉर्म में किया है और एक क्विक रिवीजन के लिए अगर हम देखें तो क्विक रिवीजन के लिए हमने ये डिस्कस किया है बच्चों कि प्रेजेंट टेंस की हम बात करें यस जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन दो मिनट में हम देखते हैं एक रिवीजन के लिए हमने बात किया प्रेजेंट टेंस में जल्दी से ध्यान से समझें सुने बस हमने ये रिवाइज़ किया है नंबर वन प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे वर्ग में अगर एस और ई एस लगा हो इंडेफिनिट है अगर इस एम आर के साथ आई एन जी लगा हो कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ठीक है अगर हैज़ और हैव हो बेस फॉर्म परफेक्ट की बात है यहाँ पे ई डी लगा हो तो हैज़ और हैव हो ई डी लगा हो आपका परफेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट अगर इसी में मैं आई एन जी लगा दूँ बिन के साथ तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है अब इसी तरीके से आपने पास्ट एंड फ्यूचर में प्रोसीड करना है पास्ट में सेकेंड फॉर्म आएगा पास्ट फॉर्म ई डी यहाँ पर इज एम आर है तो यहाँ पे वाज और वर हो जाएगा और यहाँ पे आई एन जी आई एन जी दोनों में कॉमन है तीनों में कॉमन है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस में है परफेक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हैज़ और हैव है बच्चे तो यहाँ पे हैड आ जाएगा ठीक है और अगर हम यहाँ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात करें अगेन यहाँ पे हैज़ और हैव है तो यहाँ पे आपका हैड ऐड हो जाएगा बिन दोनों जगह है तो सिंपल आपने याद रखना है प्रेजेंट फॉर्म क्या है पास्ट फॉर्म क्या है और उनको रिप्लेस कर देना है वहीं से आपका प्रेजेंट और पास्ट के बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा क्लियर है बच्चों ये एक छोटा सा ट्रिक है आपने याद रखना है जो आपका प्रेजेंट फॉर्म में है उसका फॉर्म चेंज कर दे आप पास्ट में वो आपके पास्ट का रूल है जैसे यहाँ एस और ई एस है यहाँ ई डी है यहाँ इज एम आर है यहाँ पे वॉज व है यहाँ पे हैज़ और हैव है यहाँ पे हैड है यहां पे हैज बिन और हैव बिन है यहां पे आपका हैड बिन है क्लियर है बच्चों यहां तक क्लियर है जल्दी से बोले यस और नो क्लियर है चलिए अगला देखिए फ्यूचर की हम बात करेंगे कुछ नहीं बच्चों यहां पे सिंपल आपने अगर प्रेजेंट में एस yes और ई yes एस है आपका फ्यूचर में शैल और विल आ जाएगा ठीक है अगेन यहां पे देखिए इज एम आर है तो इज एम आर किसका बच्चों इसका बेस फॉर्म क्या होता है इसका अगला फॉर्म बी होता है बी ई तो आपका यहां पे आ जाएगा बी और कॉन्टिन्यूस है तो आई हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आपका हैज़ और हैव है यहाँ पे आपका हैव आएगा सिंपल हैज़ नहीं आएगा विल और शैल आएगा यहाँ पे विल हैव बिन या फिर शैल हैव बिन ये आपके टोटल डिफरेंसेस हैं आपने याद रखने हैं क्लियर है चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों टोटल दस क्वेश्चंस हैं ये दसों क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं क्लियर रेडी हैं बच्चों चलिए फटाफट कमेंट करें रेडी है रेपिड फायर रैपिड फायर के लिए रेडी है बच्चों यस yes, चलिए लास्ट में मुझे यस yes, लास्ट में मुझे सारे बच्चे अपने अपने स्कोर बताएंगे ठीक है टोटल दस क्वेश्चंस हैं दस या बारह है देखते हैं कितने क्वेश्चंस करते हैं जिसके सबसे ज्यादा सही मार्क्स होंगे बच्चों उसको मेरी तरफ से ब्राउनी पॉइंट आज के लिए ठीक है चले रेडी हैं ओके स्टार्ट किया जाए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने कि वन टू थ्री फोर का ऐसे आंसर देना एक एक करके जब मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर वन आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन के आंसर देने हैं क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर वन है आपका बच्चों दिस टाइम टूमारो आई डैश ऑन द बीच आपने आंसर कमेंट के साथ साथ आपने बताना है कौन सा टेंस है जिसके आंसर में टेंस का नाम नहीं होगा उसका आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा क्लियर है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है दिस टाइम टूमारो I dash on the beach quickly. Very easy. It was it, this. Uh, every question that you will find here is a part of PYQ. Okay, gate examination. That's why these questions are here on smart screen. Attempt along with the type of tense that it has now. The first answer is thank you, universe says see future continuous. Okay, Arjun says present continuous. Okay, option C future continuous. Okay, okay, will be lying future perfect continuous. Okay, Sujal says option number C will be lying, will be lying future continuous. Okay, very good. But option number C this time tomorrow. I will be lying on the beach. Okay. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर चलिए ये हुआ हाफ नंबर अब डिसाइड करते हैं इसका टेंस क्या है चलिए विल बी लाइंग ऑन द बीच अब बताएंगे इसका टेंस क्या है आप लोगों ने आंसर दिया है सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ओके फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों यहाँ पे शैल या फिर विल या फिर बी है अब देखिए शैल विल या फिर बी कहाँ पे आता है देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस शैल और विल या फिर बी हो आई विल बी लाइंग ऑन द बीच कौन सा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एडवर्ब एडवर्ब एस क्यू नहीं हुआ नहीं समझ आए अर्जुन जी आप क्या कह रहे हैं फाइनली फिर से बताएं तो कौन सा होगा बच्चों ये आई विल बी लाइंग ऑन द बीच फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चलिए तो आरफा जी अरिफा जान आ, सही है बिल्कुल बहुत बढ़िया शिवानी जी जो जो सही है जिनका आंसर बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है वो लोग अपने अपने नाम के आगे एक नंबर लगाएं चलिए क्वेश्चन नंबर टू क्या क्वेश्चन नंबर टू शी सेड दैट शी डैश हेल्प मी बताना है आंसर क्या है अलोंग विथ द काइंड ऑफ टेंस ये था बच्चों हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ओके चलिए क्वेश्चन नंबर टू शी सेड दैट शी डैश हेल्प मी विल शैल वुड एंड शुड एडवर्व होना सर टुमारो प्लान एक्शन एडवर्व की बात नहीं है बच्चों यहाँ पे बात है टेंस वाली देखिए बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी लाइंग ऑन द बीच ओके एडवर्व क्या होता है देखिए एडवर्व एक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों एडवर्व आपके वर्व को मॉडिफाई करता है बल्कि पी आपको नहीं मिले इसलिए शायद नहीं जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे मैंने आपसे कहा आई एम राइटिंग ओके लेथ से मैंने ये कहा आई एम राइटिंग ये क्या है सब्जेक्ट है मेरा ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका मेन वर्ब है कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है अब देखिए अगर इस सेंटेंस को बच्चों मैंने ये लिख दिया आई एम राइटिंग आई एम राइटिंग वेरी ब्यूटिफुली आई एम राइटिंग वेरी ब्यूटीफुली अब देखिए मैंने क्या किया बच्चों राइटिंग जो है जो मेरा वर्ब है उस वर्ब को मैंने थोड़ा सा और क्या किया है एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्ब किस तरीके से हो रहा है वर्ब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से इन दैट सेंस बच्चों वो आपका एडवर्ब होगा जो वर्ब को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव जो नाउन को मॉडिफाई करता है देखते हैं क्या क्या आंसर आया बच्चों आंसर आया है आंसर आया है ओके फ्यूचर इन शी सेट दैट शी विल हेल्प मी ओके देखिए विल है तो फ्यूचर होगा बच्चों चलिए बहुत बढ़िया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किन का है आशीष कुमार जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपका क्या था बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कहा है बच्चों देखिए जहां भी शैल और विल है वो आपका फ्यूचर है है ना जहां भी शैल और विल है वो आपका फ्यूचर है सिंपल सा ट्रिक है बच्चों तो शैल और विल है फ्यूचर होगा है ना शी विल हेल्प मी बेस फॉर्म है हेल्प का तो बच्चों क्या होगा इसका फ्यूचर और कौन सा फ़्यूचर होगा सिंपल पास्ट नहीं है थैंक यू यूनिवर्स जी ये विल है शैल और विल तो ये आपका फ्यूचर है ओके okay? और कौन सा फ्यूचर है बच्चों बी हमारा जो होता है वो बेस फॉर्म होता है और दूसरा वाला फॉर्म में हमारा शैल और विल होता है देखिए यहाँ पे क्या है बेस फॉर्म ये बी है उसके पहले इट मीन्स हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट वेरी गुड वेरी गुड शिखा जी वेरी गुड आरिफा जान वेरी गुड ओके आशीष जी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है प्लीज अपना आंसर ठीक करें चलिए समझ में आए बच्चों चले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किसका सही होता है ओके ये आपका सिंपल फ्यूचर है सिंपल फ्यूचर क्यों है बच्चों क्योंकि यहां पे आप देखोगे यहां पे विल है तो ऑप्शन नंबर बी शी शेड दैट शी विल हेल्प मी ओके नाउ चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फोन मी वेन यू वेन यू डेस टाइम चलिए जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है और आंसर के साथ बताएं इसका टेंस क्या है चलिए जल्दी से बताएं ऑप्शन नंबर ए बट सर देर इज शी शेड ना शी सेड दैट या शी शेड दैट ये आपका ओके या वेरी गुड वेरी गुड हु सेज दिस थैंक यू यूनिवर्स वेरी गुड ओके बट ये बच्चों आंसर फिर भी आपका सही नहीं है सी सेट दैट की अगर बात है सी सेट दैट शी विल हेल्प मी तो ये आपका कौन सा होना चाहिए बताओ सी शेट दैट सी विल हेल्प मी जल्दी से बताओ कौन सा होगा जल्दी से ओके 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 हैव होगा सर फोन मी वैन यू हैव टाइम फोन मी वेन यू वुड हैव टाइम फोन मी यू विल हैव टाइम फोन मी वैन यू हैड टाइम ओके चलिए क्या है ए प्रेजेंट परफेक्ट हैव यूज होगा सर विल हैव फ्यूचर परफेक्ट ओके और देखते हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा यस वेरी गुड फोन मी वेन यू हैव टाइम ओके देखिए ये क्यों होगा आपका वन है, यू हैव टाइम क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पे विल हैव भी होना चाहिए फोन मी वन यू विल हैव टाइम ओके देखिए कभी भी आप किसी पर्सन को अगर कहते हैं फ़ोन के लिए हमेशा याद रखना है आप प्रेजेंट में कह रहे हैं जो एक फ्यूचर इवेंट को शो करेगा लेकिन फ्यूचर इवेंट में उस इवेंट को शो करेगा जो कंप्लीट हो चुका है है ना शो करेगा कि नहीं करेगा बच्चों क्यों शो करेगा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि प्रेजेंट में वो कंप्लीट नहीं हुआ है प्रेजेंट में उससे बोला गया फोन करने वो फोन नहीं कर पा रहा है दैट्स वाई पर्सन इज सेइंग फोन मी वेन यू हैव टाइम ओके तो हैव यहां पे सही है अब देखिए जिनका आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा सर ओके देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा बताओ मुझे चलिए अगला क्या है प्रेजेंट परफेक्ट होगा सर संदीप से इज हैव यूज होगा सर ओके वेरी गुड वेरी गुड सो द करेक्ट आंसर इज फोन मी वेन यू हैव टाइम एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके क्लियर है यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट तब होगा जब आपको यहाँ पे विल हैव यूज किया जाएगा आपको ठीक है सॉरी यहां पे हाँ जब आपका विल हैव यूज होगा तब आपको यूज करना है वहां पे ठीक है यहां पे सिर्फ आपने हैव यूज करना है फोर मी वेन यू हैव टाइम ओके क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है दैट्स वाई ही इज सेंग कि जब भी फ्यूचर में वेन यू विल हैव टाइम यू नीड टू कॉल मी ओके जो इवेंट पास्ट एक पास्ट को इवेंट शो कर रहा है इसलिए आपने यहां पे ध्यान देना है ठीक है जो प्रेजेंट में होगा इसलिए करेक्ट आंसर वेरी गुड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर Chale, question number 4 i will follow you wherever you next next i will follow you wherever you will or sorry you goes you will go you goes and you gone what is the answer quickly 4a okay okay option c future simple okay ऑप्शन सी फ्यूचर सिंपल ओके सर फोर में विल गो यूज होगा ओके यस वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन बच्चों क्यों? क्योंकि यहां देखो एक फ्यूचर इवेंट है ना जो फ्यूचर इवेंट में कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू विल गो ओके सो ये आपका क्या है ये प्रेजेंट में कहा हुआ सेंटेंस है और प्रेजेंट से अप्लाई होगा और ये चलता रहेगा हम इनडेफिनेट हम श्योर हैं ये कब हम श्योर नहीं हैं कि कब तक ये चलेगा तो जब भी बच्चों श्योरिटी नहीं होती है तो हमें मालूम है ये क्या है ये इनडेफिनेट होता है और विल लगा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये फ्यूचर इनडेफिनेट हो जाएगा क्लियर है बच्चों बहुत बढ़िया फ्यूचर इनडेफिनेट इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्या है दिख रहा क्वेश्चन नंबर फाइव जस्ट एक सेकेंड होल्ड करें क्वेश्चन नंबर फाइव चले जल्दी से देखे क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव है यू डैश एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट जल्दी से बताएं फिफ्थ का आंसर क्या है व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ओके सो सो फार ऑप्शन नंबर ए

आर हैविंग यूज नहीं होगा संदीप जी क्यों नहीं होगा क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो आपको प्रिकॉशनरी आपको नियर बाय फ्यूचर के बारे में बता रहा है यू आर हैविंग का मतलब है आपके पास अभी है और वो साथ में है है ना तब होगा जैसे आपका आव, ऐसे आर तब यूज होगा आर हैविंग का मतलब ऐसा समझ के चलो कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट मतलब ऐसा है और कॉन्टिन्यूस है ना आर हैविंग ऐसा नहीं होगा ये एक स्टेटमेंट है जो नियरेस्ट फ्यूचर को बताता है जो प्रेजेंट मोमेंट से एप्लीकेबल है जैसे एक सेकंड के अंदर भी हो सकता है दस सेकंड के अंदर भी हो सकता है ना तो यहां से हमें श्योरिटी मिली है बच्चों क्या मिली है यहां से हमें श्योरिटी मिली है कि ये नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में बता रहा है और वो नियरेस्ट फ्यूचर हमारा नियरेस्ट फ्यूचर हमारा क्या है कभी भी हो सकता है ना मतलब प्रेजेंट में है बच्चों और नियरेस्ट फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता हो कौन सा फॉर्म है फ्यूचर का जल्दी से बताओ जल्दी से बताए बच्चों हमारे पास यहां देखो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जो प्रेजेंट जो फ्यूचर में है फ्यूचर इंसिडेंट की बात कर रहा है बट वो चीज प्रेजेंट मोमेंट में भी है कौन सा होगा वट इज दट इज द एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ देर इज एन इंसिडेंट विच इज डिस्क्राइब्ड विच इज स्पेकुलेटिंग अबाउट द इंसिडेंट विच विल हैव इन द नियरेस्ट फ्यूचर

ओके okay, ईडी लगा हुआ है देखिए ईडी लगा है यहां पे कीवर्ड मैंने आपको क्या बताया यहां पे गो ऑन ड्राइविंग लाइक दिस बच्चों अगर ड्राइविंग लगा हुआ है तो फिर परफेक्ट कैसे हो गया आईएनजी लगा है मतलब क्या है फिर बेवकूफी वाले बातें कर रहे हो आप लोग आईएनजी लगा है इसका मतलब क्या है अरे यहां देखो बच्चो आई लगा है आई एन जी अगर आई है स्टार्टिंग से पहला वर्ड था मेरा इस क्लास में आई लगा है मतलब कॉन्टीन्यूस है आंख बंद करके कॉन्टिन्यूस अब बताइए कौन सा होगा मैसेज नहीं डिलीट करना है थैंक यू यूनिवर्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वेरी गुड चले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगला ऑप्शन आया है देखिए ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यहाँ पे देखिए क्या लगा है बिल लगा हुआ है तो कैसे हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस अब आप इसको देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा तब से आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं स्टेटमेंट है आपका यू विल बी हैविंग एन एक्सीडेंट यू विल बी हैविंग एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दिस ड्राइविंग लाइक दिस ड्राइविंग लाइक दिस क्या है बच्चों यहां देखो आई एनजी लगा है ठीक है यहां पर विल बी लगा है आई एन जी यहां भी लगा हुआ है कौन सा होगा जल्दी से बताओ देखो यहाँ बे बी लगा है बेस फॉर्म यू विल बी हैविंग एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दिस सिंपल सी बात है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा सबने गलत आंसर दिया है पूरी क्लास आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है <laughs> कितने नंबर आए आप लोग जल्दी से बताएं क्लास खत्म होने वाली है अब थ्री फिफ्टी हो रहा है जल्दी से बताएं किसके कितने नंबर है इस पांच में से देखो किसके सबसे ज्यादा नंबर है आज <laughs> जल्दी से बताएं अर्जुन जी शिखा जी अफराजान जो भी है थैंक यू यूनिवर्स शिवानी जी जल्दी से बताएं किसके कितने नंबर हैं किसके कितने नंबर है जल्दी से बताया बच्चों ओके okay, आरिफा जी कह रहे सर मेरे तीन है कैसे आपके तीन सर शिवानी जी आप तो कह रहे हैं चार सही हो गए आपका तो ये टेंस भी गलत हो गया अरे आकांक्षा जी 4.5 है तो ये टेंस फाइव आपने सही बताया कहा आपने बताया टेंस सही है आपका एक क्वेश्चन पहले भी गलत था मुझे याद है किसके कितने सही है ठीक है झूठ नहीं बोलना है चलिए कोई बात नहीं देखिए पीडीएफ डाउनलोड करना है इनफ ऑफ आवर लिटिल चिट चैट आपके अगले हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन यू नीड टू डाउनलोड द पी डी एफ यू नीड टू डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम आई एफ एस यू विल फाइंड एन एप्लीकेशन इन प्ले स्टोर जस्ट डाउनलोड इट आई एफ एस फ्री ऐप देयर यू विल फाइंड एन एप्टीट्यूड लिंक अ सेपरेट यूनिट यू नीड टू क्लिक ऑन इट एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट पी डी एफ बटन ओके डाउनलोड द पी डी एफ बटन एक्सेस द पी डी एफ ड्राइव एंड गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चन दैट आर देयर इन द पार्ट ऑफ क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री